वो टॉपिक है मेथड ऑफ मूवमेंट्स फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेथड ऑफ मूवमेंट्स जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मालूम है कि कौन कौन से पैरामीटर शामिल होते हैं, अल्फा और बीटा शामिल होता है, दो पैरामीटर शामिल होते हैं। देखें, पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने ये कहा था कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप जो है वो MME मालूम करने जाते हैं तो आपको रॉ मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन μ1- और μ2- दोनों की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, यानी दोनों किसके बराबर होते हैं। जैसे μ1- किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा के, और μ2- किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर के बराबर है। या तो आपकी जहन में होना चाहिए, या आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन का रॉ मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन μ1- मालूम करना आना चाहिए और रॉ मूवमेंट्स μ2- मालूम करना आना चाहिए। देखेंगे, हमने इसकी जर्नलाइज फॉर्म बनाई हुई है R। इस R की जगह अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये अल्फा बीटा बन जाता है, और इस R की जगह जो है मैं 2 लिखता हूँ तो ये μ2- मिल जाता है हमें। अच्छा, आपको ये तो मालूम है कि ये जो आपके पास वो होता है मेथड ऑफ मूवमेंट होता है, वो μ1- को आप किसके बराबर रखते हैं, m1- के बराबर। μ2- को आप किसके बराबर रखते हैं, m2- के बराबर। तो क्योंकि हम ये दो पैरामीटर के लिए काम कर रहे हैं तो ये काम आपको करना होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे ये वैल्यूज़ जो है μ1- की और μ2- की याद नहीं रहती, ठीक है, μ1- तो याद हो जाता है जैसे मीन होता है सिंपल, लेकिन μ2- याद नहीं होता, तो फिर अब उसका तरीका क्या है कि आपको ये तो मालूम है कि आप जो है μ1- जो है किस तरह से मालूम करते हैं। आपको पता है कि μ1- आप किस तरीके से मालूम करते हैं, μ1- या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और इसकी पावर 1 होती है। तो आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप यहाँ रख देते हैं और x रख देते हैं। अभी गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा हूँ तो 1/γ α बीटा की पावर अल्फ़ा और x की पावर अल्फ़ा -1 एक्सपोनेंशियल की पावर -x/β। ये आप काम करते हैं और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, μ1- मालूम हो जाता है, यानी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा आपके पास आखिर में। इसी तरह से आप μ2- के लिए जब जाते हैं μ2- तो उसके लिए आप क्या करते हैं, e(x)² मालूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to infinity x², और यही पूरा काम आप इधर लिख देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, μ2- आ जाता है, यानी आपके पास ये आ जाएगा α² β² + α β²। लेकिन अगर मैं इसकी जर्नलाइज फॉर्म मालूम करना चाहता हूँ कि मैं भाई μ1, μ2, μ3, μ4, नहीं इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से कि इसकी जर्नलाइज फॉर्म मालूम करूं तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो देखें, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर इस μ1 की जगह मैं क्या कर देता हूं, r रख देता हूं। तो r का मतलब ये हुआ, देखें, जब x की पावर 1 थी तो आपने x की पावर 1 रख दिया, x² रखा तो x² रख दिया, जब आपने यहां r रखा तो क्या आ जाएगा, x की पावर r आ जाएगा। तो बस ये आपने जहन में रख के आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आपके पास जो है वो μ1- की ये वैल्यू आ जाए और μ2- की वैल्यू आ जाए, आप मेथड ऑफ मूवमेंट्स के जरिए से इसे सॉल्व कर लें। तो देखें, हमने क्या किया, r रखा इधर, x की पावर r आ गई, और फिर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आपने रख दिया उठा के। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखें x है और इधर भी x है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है 1/γ α और बीटा की पावर अल्फ़ा, इसे हमने उठा के बाहर रख दिया, और एक्सपोनेंशियल की पावर -x/β यहाँ रख दिया, और अब आपने क्या किया, इसे इंटीग्रेट करने चले जाएं। अच्छा, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये खासा मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेट करना, तो अब हम क्या करते हैं कि इसे लेट कर लेते हैं। देखें, एक्सपोनेंशियल के ऊपर याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई पावर मौजूद है माइनस के साथ मौजूद है, तो माइनस को छोड़ के आप सिर्फ इस हिस्से को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अब मैं इसे लेट कर लेता हूँ, z = x/β। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये x है, मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं अगर इसको इधर भेज दूं तो x इसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा z(β) के। अब आपको ये भी तो पता है कि जिस चीज को आप लेट करते हैं उसे इंटीग्रेट भी करना पड़ता है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या बनेगा, ये देखें, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं dx/dz किसके बराबर बन जाएगा, ये z का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो खाली बीटा बचा। तो अब देखें, यहाँ से आपके पास क्या आ गई dx की वैल्यू, dx आपके पास बराबर हो जाएगा बीटा और dz। तो याद रखिएगा, ये जो dx है, इस dx की जगह आप क्या रख देंगे, बीटा dz रख देंगे।
अच्छा, फिर उसके बाद अब आप इन वैल्यूज़ को पुट करें। अच्छा, लिमिट लिमिट याद रखिएगा, जब लिमिट 0 to ∞ होती है तो लिमिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप रखकर भी देख लीजिए, जब एक्स जो है वो 0 के बराबर है तो बीटा को इधर मल्टीप्लाई करा के भेज दीजिए या इधर रख दीजिए। एक्स 0 के बराबर है तो जेड किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। जब एक्स जो है इन्फिनिटी के बराबर है तो जेड भी किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी के बराबर होगा। इस एक्स की जगह से 0 और ∞ की वैल्यू रखें तो आपके पास जेड की लिमिट आ जाएगी। तो जेड की लिमिट भी क्या हो गई आपके पास? 0 to ∞। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देखें, म्यू आर डैश 1 ओवर गैमा अल्फा बीटा की पावर अल्फा हो गया। लिमिट्स को कोई चेंज नहीं आया, 0 to ∞ है। इस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जेड बीटा, जेड लिखा और बीटा लिखा। आर प्लस अल्फा प्लस आर माइनस वन, अल्फा प्लस आर माइनस वन, ये ऐसे ही लिख दिया। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस क्या हो गई? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस तो मौजूद रहेगा, हमने इसको लेट किया था, तो ये किसके बराबर है आपके पास? z के बराबर है, z लिख दीजिए। और dx की जगह आप क्या लिखेंगे? याद रखें, बीटा dz। तो आपने क्या किया? बीटा dz लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें, अगर मैं इसको अल, अलग कर दूं, z की पावर अल्फा प्लस आर माइनस वन अलग कर दूं और बीटा की पावर अल्फा प्लस आर माइनस वन अलग कर दूं, तो ये बीटा की पावर आपके पास 1 मौजूद है और ये माइनस 1 मौजूद है, तो अब देखें मजीद क्या हो सकता है। देखें, 1 ओवर गैमा अल्फा बीटा की पावर अल्फा 0 to ∞, जेड को अलग कर दीजिए, अल्फा प्लस आर माइनस 1, बीटा को अलग कर दीजिए, अल्फा प्लस आर माइनस 1, और ये समझ लीजिए इस बीटा को मैं पहले लिख रहा हूँ, बीटा की पावर 1 है ये, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड डी जेड। देखें, जब इनकी बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, बीटा 1 और माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है? बीटा की पावर अल्फा प्लस आर। अच्छा, एक और काम कर सकता हूँ, बीटा की पावर अल्फा को अलग कर दूँ, बीटा की पावर आर को अलग कर दूँ, तो बीटा की पावर अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ, 1 ओवर गैमा अल्फा बीटा की पावर अल्फा 0 to ∞, जेड को मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्लस आर माइनस 1, बीटा की पावर अल्फा को अलग लिखा, ठीक है, और बीटा की पावर आर को अलग लिखा, और ये बीटा की पावर माइनस 1 है और ये बीटा की पावर 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, बीटा की पावर 1 और बीटा की पावर माइनस 1। तो याद देखें, 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड डी जेड। तो देखें, ये बीटा की पावर अल्फा और बीटा की पावर अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस बीटा को उठा के ये तो 0 हो गया, किसी भी चीज की पावर 0 1 हो जाता है, ये कैसे हुआ? बीटा की पावर 1 और बीटा की पावर माइनस 1 नीचे जाएगा तो कैंसिल हो सकता है, हमने इनको ऐड करा दिया, बीटा की पावर माइनस 1 और 1 को ऐड करा दिया, तब भी ये 0 हो गया, 0 हुआ तो 1 हो गया। अब मज़ीद इसको आगे देखते हैं यहाँ पर करके। अच्छा, अब हमें ये क्या करना है कि देखें यहाँ पर, अब आपके पास क्या आया, ये अब आपके पास क्या बचा? देखें, म्यू आर डैश, नीचे तो आपके पास गैमा अल्फा है। देखें, ये बीटा की पावर आर कांस्टेंट है, इसे उठा के मैं यहाँ लिख दूँ, इसे उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपके पास क्या बचा है? 0 to ∞, 0 to ∞, जेड अल्फा प्लस आर माइनस 1, और क्या बचा आपके पास? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड डी जेड। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये जो फंक्शन है कि जब लिमिट 0 to ∞ हो, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, जब लिमिट 0 to ∞ होती है और आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड है और ये जो जेड है, ये जेड यहाँ मौजूद हो और उसके साथ माइनस 1 के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई हो, तो ये जो आगे का हिस्सा होता है, इसे हम क्या करते हैं? गैमा की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब देखें, मैं इसे गैमा की फॉर्म में लिख देता हूँ, म्यू आर डैश बीटा की पावर अल्फा
और गैमा अल्फा ये, इस पूरे को मैं क्या करूंगा, गैमा अल्फा प्लस आर की फॉर्म में लिख दिया। भाई हमें तो इसको इस फॉर्म में बनाना है, जब मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू आर डैश बीटा की पावर अल्फा। जब मैं इस गैमा को, पहले इस गैमा को खोलता हूं, तो गैमा हमेशा क्या होता है, एक फैक्टोरियल पीछे जाके खुलता है, तो ये बनेगा अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल। और ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा अल्फा प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल। याद रखिएगा गैमा क्या होता है, एक फैक्टोरियल के फॉर्म में जब खुलता है तो माइनस वन होके खुलता है। तो देखिए ये फॉर्म बन गई। अब इस वैल्यू के अंदर आप r की जगह 1 रख दीजिए, r की जगह 2 पुट कर दीजिए, यानी r की जगह जब मैं 1 रखता हूँ तो म्यू 1 डैश बन जाएगा, किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा के। जब मैं r की जगह मैं 2 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, म्यू 2 डैश बन जाएगा, जो कि बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, जो कि हमने पहले से लिखा हुआ। तो अगर किसी को याद ना रहे तो वो इस तरीके से सॉल्व करेगा, म्यू वन डैश म्यू टू डैश, देन फिर मेथड ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर आएगा। तो अभी मैं इसको साफ करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि म्यू वन डैश किसके बराबर होता है, एम वन डैश के बराबर होता है। मेथड ऑफ मूवमेंट्स पे आ जाए तो म्यू वन डैश किसके बराबर है, एम वन डैश के। तो म्यू वन डैश की जगह आपने अल्फा बीटा रखा, और m1 डैश की जगह मैं x बार भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर m1 डैश ही रहने दीजिए, या फिर आप रख दीजिए, मर्जी है आपकी। देखें अल्फा किसके बराबर हुआ, m1 डैश ओवर बीटा के, यानी x बार ओवर बीटा भी हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बार ओवर बीटा। अच्छा देखें म्यू टू डैश किसके बराबर होता है, m2 डैश के बराबर होगा। म्यू टू डैश किसके बराबर है, m2 डैश, ये मेथड ऑफ मूवमेंट्स के अंदर है। म्यू टू डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये आपने प्रूव भी किया है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, m2 डैश की जगह m2 डैश ही रहने दीजिए, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी जो आपने अल्फा की वैल्यू निकाली है, m1 डैश ओवर बीटा ये रख दी, या x बार ओवर बीटा रख दीजिए, x बार ओवर बीटा का होल स्क्वायर, x बार ओवर बीटा अल्फा की जगह रख दिया, और बीटा स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखें अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स बार का स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर है बीटा स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर से तो बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बार ओवर बीटा, और ये क्या हुआ है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू डैश। तो हुआ क्या, देखें ये बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये एक बीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या बचा आपके पास, x बार का स्क्वायर प्लस x बार, और इसके साथ आपके पास क्या बचा, एक बीटा बचा, इज इक्वल्स टू m टू डैश। अब देखिए इधर कि अगर मैं इसको उठा के उधर भेज दूँ, इस x बार को, x बार के स्क्वायर को उठा के उधर भेज दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x बार बीटा एम टू डैश माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। भाई एक्स बार को आप बता चुके हैं ना कि एक्स बार की जगह आप एम वन डैश भी लिख सकते हैं, तो इधर अगर मैं एम वन डैश लिख दूं तो क्या परेशानी है, एक्स बार बीटा एम टू डैश एम वन डैश का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद आ गया कि पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने बताया था कि ये फार्मूला किसके बराबर है, एस के बराबर है, वेरिएंस के बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ सैंपल। तो एक्स बार ऑफ बीटा किसके बराबर हो गया, एस स्क्वायर के, बस इसको डिवाइड करा दीजिए। तो देखें बीटा किसके बराबर आया आपके पास, एस स्क्वायर ओवर एक्स बार के, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। तो देखें ये आपके पास आया बीटा कैप। अब इसी तरीके से आप इस वैल्यू को, बीटा कैप की वैल्यू को अगर मैं यहाँ अल्फा में रख दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए बीटा की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो देखें अल्फा किसके बराबर है आपके पास, एम वन डैश ओवर बीटा, या फिर एक्स बार ओवर बीटा। तो देखें ये किसके बराबर है, एक्स बार ओवर बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, एस स्क्वायर ओवर एक्स बार। तो अब आपको पता है डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो अल्फा कैप किसके बराबर आएगा आपके पास, एक्स बार का स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर के बराबर आ गया। तो देखिए ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, बीटा की भी और अल्फा की
किसके कौन से मेथड के थ्रू? थ्रू MME मेथड ऑफ मोमेंट्स। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ